हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज है छुट्टी का दिन तो हम सब काम में लगे हैं। हालांकि मम्मा तो संडे को ही करती है, पर आज हम सबकी छुट्टी थी तो मम्मा आज कर रही है। और मम्मा हाँ, मैं आप लोगों को नीचे से दिखाती हूँ। ये देखो, मामा ने झाड़ू लगा दी है। ये जो पेड़ है हमारे गार्डन के बाहर है ना, इनसे बहुत पत्ते गिरते हैं। पत्तों का कचरा होता है तो मैंने ये चीज़ मंगवाई। मैंने इससे मेरा काम आसान हो गया है। पत्ते कलेक्ट मैं इसी से कर लेती हूँ, फिर मैं जो छोटा मोटा कचरा होता है वो मैं झाड़ू से कर लेती हूँ। मम्मा तो, पेड़ दिखाऊं क्या, क्या क्या पेड़ है गार्डन में? नहीं, बस बहुत सारे, वैसे ही बता सकते हो। केला है, आम है, चीकू है। तो गाइस, ये हमारा गार्डन है, फ्रंट यार्ड, और इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं। हमारे दो तीन तो केले के पेड़ है, मिर्चियों के भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। और किसके मामा? चीकू का है, ये कस्टर्ड एप्पल का है, ये अनार है, ये आम है, मतलब बहुत सारे हैं। वो मामा वो आम दिखाओ। तो गाइस, ये है, ये हुआ करती थोड़ी वीकेंड की, लेकिन आज तो मजदूर दिवस था तो ये तो करना बनता है। छुट्टी थी मेरे को, वीडियोस ही नहीं बनाने थे आज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस काम को कर दूँ। मैं ये वीकेंड को ही कर दूँ मैं ये वाला काम। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, जहाँ मैं रह रही हूँ उसके आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, तो हमें ये कचरा घर में ही कहीं ना कहीं डिस्पोज करना होता है। खड्डा बैकयार्ड में खड्डा करके उसमें, या फिर इसको हम जला देते हैं पीछे बैकयार्ड में। और गाइस देखो, मेरे डैडी अब काम के बीच में एक्सरसाइज करने आए हैं। फिर से करके दिखाऊं, ये लो पुल अप देख लो भैया, पुल अप हिली नहीं बॉडी बिल्कुल। क्या करें, क्या ना करें। ये हमारा चीकू का पेड़ है, इस पे बहुत सारे चीकू लगे हैं, और इस पे ही हमारा झूला भी टंगा है। मैंने बोला था ना पानी डाल लेना पहले, बिना पानी के तो पॉसिबल नहीं है। देखो डेढ़ा कितने पसीने पसीने, मजदूर दिवस के ऐसे फील आना चाहिए ना। देखो बाप रे, इतने कैसे पसीने के नाले चले हुए हैं। अच्छी बात है, इससे अच्छा वर्कआउट कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैं रोज़ बोलती हूँ आपको, करा करो, करते नहीं हो कुछ। हाँ, मुझे डायन बना दो आज। तो लगते हैं काम पे। हाँ, ये सोल्यूशन ये था कि हम इस कचरे को इस तरह से डिस्पोज करना पड़ता। हस्बैंड के अभी जो पसीने थे ना, वो इसीलिए थे कि वो खड्डा बना रहे हैं ताकि हम उसमें डिस्पोज कर सकें इसको, क्योंकि आसपास जो डस्टबिन है वो मेन हाईवे पे जा बहुत दूर है। तो डेली का कचरा भी हमें डिस्पोज करने के लिए ऐसे हमें बैकयार्ड में ही कुछ एक डीप करके खड्डा उसमें डाल के डिस्पोज करते हैं। इवन किचन का गीला कचरा जो होता है वो तो हम हमेशा से ही वैसे ही कर रहे हैं, खाद टाइप बनाना उसका, और फिर उस मिट्टी को पेड़ पौधे में डाल देते हैं। तो मेरे भी पसीने आ रहे हैं ना, ये देखो। नहीं आ रहे आ रहे हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आ रहे हैं ना। ठीक है, बंद कर दो। मैं से सोचती हूँ मैं जब एक बार कर देती हूँ कि मैं डेली किया करूँगी ये वाला काम, और डेली तो मुझसे हो ही नहीं पाता है। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, और फिर ये वाला काम। वैसे जब भी करते हैं ना
हवा का तो मज़ा है जब करते हैं तो, पर अब आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। मैंने सुबह सुबह सोचा था सुबह सुबह ही करूँगी, लेकिन चाय नाश्ता करते करते बहुत लेट हो गई, पर मैंने सोच ही लिया था आज तो मैं करूँगी, वीकेंड को निकलना पड़ेगा फिर मेरे को ये वाला काम। ये देखो मामा ने पूरा यार्ड साफ कर दिया है गाइस। ये था हमारे आज की रूटीन का एक छोटा सा पार्ट, अच्छा लगे तो बताना, और भी मैं कर नहीं पाती हूँ हालांकि शॉर्ट करने वाला होता नहीं क्योंकि बच्ची तो स्कूल चली जाती है, धीरे धीरे आएंगे उसको भी क्या करूँगी। तो आज का यहीं पे बाय बाय, अभी इन कचरों के ढेर को कार्टन में भरना है, कार्टन में भर के डेढ़ा ने जो पीछे खड्डा किया है उस खड्डे में इसको डिस्पोज कर देना है, और बस आज का अभी फिलहाल यही है सबसे बड़ा काम यही था आज का। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।